इसी More तरीके adamant decisions, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं that you should stick to your decisions और एक दफा जब ले लिए ज़्यादा over promise और आपने बिल्कुल जो है ये सही point out किया कि governance भी जो है वो fail होती हुई नजर आती है. अच्छा आप कह रहे हैं मौके opposition को देना कि वो इसके बारे में कुछ बात कर सके. इसी पे एक खबर जो हमें मिली है कि गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की इनॉग्रेशन जो कल की गई है, इट वॉज एन ऑलरेडी इनॉग्रेटेड यूनिवर्सिटी. जमीर साहब ये तो बताइए. देखिए ये बड़ी एक दिलचस्प चीज निकल आई और ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई है. ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसको ट्वीट किया और क्योंकि उन्होंने वो तस्वीरें भी ट्वीट की कि जब ये यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने इसका फीता काटा था और वहां पे उस वक्त के चेयरमैन एचईसी डॉक्टर मुख्तार भी उनके साथ खड़े हुए और उसमें लिखा हुआ है कि जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट. और सिर्फ मोहम्मद उस्मान डार साहब को क्रेडिट देने के लिए ये श्याम साहब जो है वो ब्रेकिंग की. और अब वो जरा अगर प्रोड्यूसर साहब क्विकली अगर वो सुना दें कि इमरान खान साहब ने एक दफा दोबारा पूछा था कि भाई ये पहले यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हुई, जरा सुन ले जरा. पता नहीं ये सच है या नहीं, उस्मान डार कह रहे हैं कि पहली यूनिवर्सिटी बनी है पाकिस्तान सियालकोट में. ये सच है सर, ये सच है, बिल्कुल सच है. मुझे डर था कि कहीं उस्मान डार कोई सियासी स्टेटमेंट ही ना दे दे अपने मुखालिफ के खिलाफ, इसलिए इसलिए मैंने फिर से चेक किया है. क्योंकि ये कितनी यह अफसोस की बात है कि सियालकोट जैसे शहर में अगर ये पहली यूनिवर्सिटी बन रही है. देखें अब ये सो कंफ्यूज प्राइम मिनिस्टर ने, सर ये देखें अब बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने और फिर उस्मान डार से कहा कि उस्मान डार कोई ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दे जाएं और श्याम साहब इसकी वजह से अब एंबैरेसमेंट जितनी हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस तख्ती पे मोहम्मद उस्मान डार साहब का नाम लगाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग बाय इमरान खान साहब का लिख दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इतनी एंबैरेसमेंट. और फिर इमरान खान साहब ने कहा भी कि मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, मैं पूछ लेता हूं. इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के कान में किसी ने डाला होगा कि भाईजान ये पहले भी यहां पे इस किस्म की तख्ती लग चुकी हुई है तो आप ये ना करें. लेकिन ये गलती हुई. अब ये पता होना चाहिए. लेकिन अब ये ब्लंडर तो हुआ ना गवर्नमेंट से, अब ये मौका देते हैं ना अपोजिशन को. और दूसरी बात श्याम साहब, मैंने उस दिन इशारे किनारे में कहा था कि कहीं किसी लेवल पे ये बात होती है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, हम पूरी रात लगाते हैं ऑपोजिशन को ब्रेक आपस में तोड़ने के लिए और सुबह इनके मिनिस्टर उठ के दो या एक या दो मिनिस्टर या कोई इस किस्म के उस्मान डार जैसे लोग जो हैं वो एक आध ऐसा जुमला बोल जाते हैं कि सारा सत्यानाश हो जाता है. तो अब ये एक्चुअली उसका नतीजा है. आप में उसको दुर्फितरी कहते हैं. दुर्फितरी. अच्छा आप आपने पंजाब के हवाले से बात की पुलिस रिफॉर्म के हवाले से, फिर आप कहेंगे कि उस्मान बुज़दार के, लेकिन वो उन्होंने वाजे तौर पर उन्होंने दुरानी के हवाले से ये कहा था कि भाईजान जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता. और दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स आप देखिएगा कि हम कि हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है. लेकिन जमीर साहब वो गए क्यों, उसके पीछे भी तो वजह है. अच्छा, ना वो क्यों गए, वो जाने वालों को क्यों नहीं वो क्यों गए, क्योंकि वो अपने आप को प्रैक्टिकल आईजी समझ रहे थे. उनको सिर्फ रिफॉर्म्स के लिए लाया गया था. ये बात क्लियर कट हुई. नहीं सर ऐसे आई हैव एन सर बिल्कुल मैं ऐसा ही आपको ओपिनियन सर ऐसा ही हुआ. अच्छा अच्छा आईजी को क्यों लाया था पंजाब में. मैं सर आपको ओपिनियन भी इस पे लेती हूं. बिल्कुल आप चलें चलें ठीक है सर. मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि आईजी जाहिर बात है अब उस्मान बुज़दार जो है वो उन्होंने आज भी इमरान साहब ने वैसे भाई साहब कह दिया कि मेरा आदमी है, सादा आदमी है, लेकिन ये काम करेगा. और अच्छा साहब मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि यू विल सी, आप देखेंगे. अच्छा चलें मैं आगे जो अपॉइंटमेंट्स भी आना चाहूंगी क्विकली क्विकली. तो श्याम साहब मुझे ये बताइए कि इस बारे में कि वो क्यों